फाइनली वांडा विजन शो का फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है एंड इस ट्रेलर में हमें बहुत सारी नई चीजें देखने को मिली जो पहले कभी एमसीयू में हमने नहीं देखी। एंड इस वीडियो में मैं इस ट्रेलर को एक्सप्लेन करूंगा एंड कुछ न्यू डिटेल्स बताऊंगा जो आपने शायद ही ट्रेलर देखते टाइम नोटिस की हो। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनजीत एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ सुपर सेंट्रो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं शाउट आउट दूंगा एमसीयू टॉक्स को जिसने सेंट्रो क्विज का बिल्कुल सही आंसर दिया। और अगर आपको भी चाहिए ऐसा शाउट आउट तो सेंट्रो क्विज में पार्टिसिपेट करना जो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा। सो अब बात करते हैं ट्रेलर की। हम सबको पता है विजन की इन्फिनिटी वॉर मूवी में डेथ हो गई थी। सो आप सब सोच रहे होंगे कि इस शो में विजन कहाँ से आ गया। तो मुझे तो यही लगता है कि वांडा ने पूरी रियलिटी को ही चेंज कर दिया होगा एंड एक नई रियलिटी बनाई होगी जहां वो दोनों एक साथ रह सकें। ट्रेलर की स्टार्टिंग में वांडा विजन अपने पड़ोसियों के साथ डिनर कर रहे होते हैं। यहां उनका पड़ोसी उनसे पूछता है कि तुम कहां से आए हो, तुमने शादी कब की एंड तुम्हारे अभी तक बच्चे क्यों नहीं है। तब इसका आंसर ना तो विजन दे पाता है और ना ही वांडा, क्योंकि आपको पता होगा विजन डेड हो चुका है एंड जहां वो दोनों रह रहे थे वो वांडा की इमेजिनेशन थी। नेक्स्ट हमें ये सीन देखने को मिलता है जहां वांडा अपनी पावर्स का यूज करके वाइन को ग्लास में डाल रही होती है। यहां इस वाइन की बोतल पर 1953 लिखा हुआ है। सो शायद ये इवेंट्स 1953 के आसपास के हो सकते हैं जहां वांडा ने रियलिटी को शायद 1953 में शिफ्ट कर दिया होगा। इस ट्रेलर में आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि कभी तो हमें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया जाता है एंड कभी कलरफुल, एंड ये सब क्यों हो रहा है। इसका सही एग्जैक्ट रीजन हमें शो रिलीज होने पर पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमें वांडा एंड विजन के ट्विन बेबी देखने को मिलते हैं। ये देखने के बाद आप सब सोच रहे होंगे कि एक रोबोट एंड ह्यूमन के चिल्ड्रन कैसे हो सकते हैं। तो इसका आंसर भी मार्वल के पास है जो हमें इस शो के रिलीज होने के बाद पता चल जाएगा। देन वांडा हमें कॉमिक्स वाले रेड कॉस्ट्यूम में देखने को मिलती है। थैनोस ने विजन का माइंड स्टोन ले लिया था एंड इस कारण विजन की डेथ हो गई थी। लेकिन इस ट्रेलर को देखने के बाद लग रहा है कि जैसे विजन को ये सब पता ही नहीं। एंड इस सीन में कैथरीन विजन को बताती है कि तुम मर चुके हो एंड इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में विजन हमें कॉमिक्स वाले कॉस्ट्यूम में देखने को मिलता है। देन वांडा को दिखाया जाता है जहां वो ओल्ड 90s वाले प्लाज्मा टीवी को न्यू जनरेशन LED टीवी में कन्वर्ट कर देती है एंड ये सब वो अपनी पावर से कर रही है। नेक्स्ट इस सीन में देखने को मिलता है कि ये लड़की एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड में चली जाती है। दरअसल इस शो में हमें अलग अलग टाइम पीरियड भी देखने को मिल सकते हैं और ये लड़की कोई और नहीं, ये है मोनिका रैम्बो जो हमें कैप्टन मार्वल मूवी में देखने को मिली थी, लेकिन उस टाइम वो बहुत छोटी थी। सो इस वीडियो में इतना ही एंड इस शो को लेकर आप कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन मार्वल ने अभी इस शो की ऑफिशियल रिलीज डेट नहीं बताई है। अभी मार्वल ने सिर्फ कमिंग सून ही बताया है, लेकिन मुझे लगता है शायद ये 2020 के एंड तक रिलीज होगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट ब्लैक पैंथर के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करें, ब्लैक पैंथर के मोरल्स के बारे में जानने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें।